संगीत प्रवाह वर्ल्ड का सिलेबस क्या है? सिलेबस के ऊपर वैसे तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि हम लोग क्या क्या सिखाते हैं और क्या हमारा प्रोसेस है, किस किस टॉपिक को हम कवर करते हैं और क्या बिगिनियर लेवल है, क्या इंटरमीडिएट और क्या एडवांस लेवल है। पर पर्टिकुलर एक वीडियो आज मैं उस पर बनाने जा रहा हूँ ताकि हमारी नई ऑडियंस को भी और हमसे ऑनलाइन क्लास जो सीखना चाहते हैं उनको भी ये चीज़ मालूम चल जाए कि हम क्या सिखाते हैं और हमारा क्या प्रोसेस है, सिलेबस क्या है बेसिकली। और जो स्वरांगिनी जो हमारी किताब है, खैर वो तो पूरी की पूरी सिलेबस बुक है, उसके ऊपर तो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ। तो वो अगर किताब आपने समझ ली कि उसमें क्या क्या सिखाया जा रहा है, वही हमारा सिलेबस है। पर मैं फिर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाता हूँ और क्या क्या वीडियोज़ आपको ज्वाइन करने हैं डायरेक्ट उन तक भी मैं आपको पहुँचा दूंगा। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या है सिलेबस संगीत प्रवाह वर्ल्ड का। रियाज ऐप अ सिंगर्स कंपेनियन। हज़ार से भी ज़्यादा हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, स्पैनिश, हर लैंग्वेज में गीत हैं इस एप्लीकेशन में। अभी डाउनलोड कीजिए और सीखिए इन सारे गानों को। अगर आप चाहते हैं आपका कोई पसंदीदा गीत सीखना तो उसका भी YouTube से लिंक कॉपी करके आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी सीख सकते हैं। इंडियन क्लासिकल तो है ही, वेस्टर्न भी है, कर्नाटक भी है, हर प्रकार का संगीत है। तो अभी डाउनलोड कीजिए रियाज ऐप। मुझको आप अपना आप दीजिएगा, मुझको आप अपना आप दीजिएगा, और कुछ भी न मुझसे लीजिएगा, मुझको आप अपना आप दीजिएगा। है अगर वाक़े शराब हराम, है अगर वाक़े शराब हराम, आप होंठों से मेरे पीजिएगा। जॉनेलिया साहब, खुदरंग जॉनेलिया साहब की लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल, मेरी ही कॉम्पोजिशन, जल्द आप सुनेंगे मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे। तो आइए अब हम बात करते हैं संगीत प्रभाव वर्ल्ड के सिलेबस पर। देखिए, जो जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा कि क्या हमारा सिलेबस है और किस तरह से हम सिखाते हैं। हमेशा हमने ये कहा है कि लय जो है सबसे फर्स्ट लेसन होना चाहिए, प्रथम लेसन लय का होता है, तो सबसे पहले हम सिखाते ही वह हैं। लय यानी गति, स्पीड, जैसे आप सुनते हैं ठा दुगुन तिगुन चौगुन, तो ये और लय क्या हैं, क्योंकि ठा दुगुन तिगुन चौगुन तो लयकारियाँ हैं, है ना, ये लय के वेरिएशंस हैं। लेकिन लय किसे कहते हैं, लय को साधते कैसे हैं, क्योंकि अगर लय सध जाए तब ही जाके आपका स्वर और ताल जो है वो सधता है, क्योंकि स्वर में भी एक लय होती है, ताल में तो होती ही होती है ना। तो ये चीज़ हमें समझनी होती है कि लय को स्वर और ताल से पहले क्यों समझना है, क्यों सीखना है ना, उस पर हम सिखाते हैं। उसके बाद हम अलंकार, जिसे कहते हैं बेसिक पलटे जो होते हैं, पलटों का रियाज, वो हम सिखाते हैं। वो लय में कैसे आएगा, देखिए सब कुछ लय में बंधा हुआ है, सब कुछ स्पीड में बंधा हुआ है, तो हमारा हर लेसन जो है लय से ही रिलेटेड होता है। सबसे पहले जब आप लय समझ लेते हैं तो उसके बाद हम आपको अलंकारों को अलग अलग लयकारियों में करना सिखाते हैं कि कैसे स्वरों को लय से खेला जाएगा। यानी अगर सारेगमपधनिसाजानीदपम अगर ऐसा है तो उसकी ठा दुगुन कैसे होगी, या आगे जो टिपिकल अलंकार हैं, दूसरे हैं एडवांस अलंकार हैं, जो कुछ जटिल पलटे जो हैं, कुछ मुश्किल वाले, उनको अलग अलग लयों में कैसे करेंगे, जो छंद है उसको कैसे समझेंगे। जैसे एक अलंकार है सारे गमा पाधा नी सा साने दा पमा गरे सा, सरल पलटा है, लेकिन सारे सागर एगा सारे सागर एगा सारे गमा रे गा रे मा गमा रे गा रे मा गमा रे गमा प, ये थोड़ा जटिल है और इसकी जो बांट है वो भी अलग है। सारे सामा गरे सारे गमा रे गा रे पमा गरे गमा प, इसकी बांट अलग है। तो इनको आप अलग अलग लयकारियों में कैसे करेंगे, तो वो मैं मतलब हमारा जो सिलेबस है वो आपको सिखाता है। उसके बाद आप आते हैं, जब ये अलंकार हो गए फिर इनको हम अलग अलग थाटों में करते हैं। जैसे पहला थाट आपका जो बिलावल थाट में, आप शुद्ध स्वरों में सारे ग म प ध नि सा साने दा प म घ रे सा, फिर इसी पलटे को कैसे दूसरे थाट में, यानी जैसे भैरवी में अगर करें सारे ग म प ध नि सा साने दा प म घ रे सा, हर पलटा फिर इसी में सारे सागर रे ग सारे सागर रे ग सारे ग म रे ग रे म घ म रे ग रे म घ म रे ग म प, सारे सामा घ रे सारे सामा घ रे
रे सा रे गा मा रे गा रे पा मा गा रे गा मा पा गा मा गा धा पा मा गा मा पा धा, ऐसे कर करके हर पलटा हम इसमें करवाते हैं। उसके बाद ऐसे ही करके दसों थाटों तक पहुंचते हैं। कल्याण थाट सा रे गा मा पा धा नी सा सा ने रा पा मा गा रे सा, भैरव थाट सा रे गा मा पा धा नी सा सा ने धा पा मा गा रे सा, काफी थाट सा रे गा मा पा धा नी सा सा ने धा पा मा गा रे सा। ऐसे करके दसों थाटों में जब आप रियाज करते हैं, जिसे कहते हैं थाटों का रियाज, वो करते हैं, उसके बाद का स्टेप आता है स्केल्स का, यानी जो आपका पिच है उसका। जैसे कि पहली काली जो पिच है सा, उसके बाद हम एक एक करके 12 स्केल्स का नॉलेज देते हैं कि जितने स्केल्स हैं, यानी पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली। लेकिन देखने वाली बात है कि ये स्केल कहां कहां से बजते हैं और उन स्केल से उन थाटों को कैसे बजाया जाता है। ये पहली काली से था सा रे गा मा पा धा नी सा, ये भैरवी था। अब यही अगर मैं दूसरी काली से गाऊं सा रे गा मा पा धा नी सा सा ने धा पा मा गा रे सा, ये सारी चीज़ें हारमोनियम पर बजाना हम पहले सिखाते हैं और गायकी भी साथ में हो ही रही होती है। जब आपको मालूम चल जाता है कि 12 स्केल से दसों थाटों में स्वर कैसे निकलते हैं, फिर आपके पास कुछ बचता ही नहीं, फिर आप कहीं से भी कुछ भी गा बजा सकते हैं। तो ये स्केल्स थाट नॉलेज हम आपको पहले देते हैं, अलंकारों की लय की, ये बेसिक नॉलेज है। उसके बाद जाके कहीं हम राग पर आते हैं, क्योंकि राग में ये सारी चीज़ों का मिश्रण है ना। तो उन मिश्रण, उस मिश्रण को समझने से पहले उसकी एक 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 बारीकी को तो अच्छे से जान लेना ज़रूरी है। जब तक आप अलंकारों को अलग से ना सीखें, थाटों को अलग से ना सीखें, स्केल्स अलग से ना सीखें, लय ताल अलग अलग से ना सीखें, तब तक वो मिक्स होकर जब राग में एक सामने आता है तो समझ नहीं आता है। तभी तो राग में वो सारी चीज़ें चल रही होती है, कहाँ समा रहा है, कहाँ खाली आ रही है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कौन सी ताल चल रही है, कहाँ कैसे लय बदल गई, कैसे हमने स्वरों को अलग अलग, है ना। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, हे जी आली पिया बिना गम पा गम गधा पदमा मदनी सा ने दा पमदा पमगरे सा। अब ये मैंने सरगम यमन में ली, लेकिन ये सरगम आपको याद करनी हो तो एज इट इज़ याद कर लोगे। लेकिन इसका अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे इसका डिवीज़न बताओ, इसको इसको एकदम चीर फाड़ करके मुझे समझाओ इसमें क्या क्या खाता, आप नहीं समझ पाएंगे। आपको नहीं मालूम चलेगा कहाँ मैंने लय बदली, कहाँ मैंने गैप बदला, कहाँ मैंने छंद बदला, है ना, कहाँ मैंने स्वर ही बदल दिए, कहाँ मैंने स्केल बदल दिया। वो सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें पहले ये सारी बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तभी तो ये होता है कि जो डायरेक्ट राग से सीखते हैं उनका बेसिक कमज़ोर है, उनको मालूम ही नहीं चलता ताल लय स्वर या स्केल बदला या छंद बदल दिया तो क्या होता है। तो बेसिक जानना ज़रूरी है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। फिर रागों पर आते हैं, जो 10 थाट हैं उनकी जो आश्रित 10 रागे हैं उनको हम सबसे पहले सिखाते हैं। उसके बाद, और उसमें भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बड़ा ख्याल से शुरू कर रहे, नहीं, सरगम गीत से आपका आरोवरो पकड़, फिर आपको सरगम गीत सिखाया जाता है, फिर उसमें छोटा ख्याल यानी जो बंदिश है वो सिखाई जाती है, फिर उसमें आलाप करना, फिर उसमें ताने करना वो बताया जाता है, फिर धीरे धीरे हम आते हैं, फिर उसमें लक्षण गीत भी आते हैं सारे, लक्षण गीत यानी राग का परिचय जिस गीत में गाया जाए तो वो हम सिखाते हैं। उसके बाद आती हैं जो 10 रागे हैं, जो जन्य रागे हैं, उसमें हम, और ये सारा चीज़ हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं ऑनलाइन, है ना, ये सब पे वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुके हैं, वो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर आते हैं हम उनकी जन्य रागों पर, जो कि जिसमें हम बड़े ख्याल की शुरुआत कराते हैं, वहाँ से बड़ा ख्याल और उपज की जो है हम ट्रेनिंग देते हैं कि उपज यानी क्रिएट कैसे की जाए आलापतान, है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रटंत जो आलापतान हैं उनको ही फॉलो करते करते लोग बस उतना ही गा पाते हैं, फिर उपज नहीं कर पाते हैं, और उपज में भी फिर अलंकार गाने लगते हैं, है ना। उपज कैसी होनी चाहिए वो वहाँ से समझ आता है, है ना, और इतना 10 रागों तक घुटकर ऑलरेडी इतना समझ आ चुका होता है कि 11वीं में आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, खुद फूट पड़ता है। और 11वीं तक आते आते भी ऐसा नहीं होगा कि 11वीं में ही फूटेगा, वो पहले ही आपके अंदर से जन्म लेने लगता है, क्योंकि हम इतना आपके अंदर मसाला भर देते हैं, अगर इसे नॉर्मल भाषा में कहा जाए, है ना, कि आप क्रिएट करने लगते हैं उसके बाद, है ना। तो फिर उनकी जन्य रागों पर हम आते हैं, अलैया बिलावल है, आपकी मालकोंस है, केदार है, कालिंगड़ा, ऐसे करते करते हम 10 और रागे करते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं ऐसे धीरे धीरे। अब फिर तो रागों का चलन शुरू हो गया, फिर उसमें तो चतुरंग, तराना, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, आपका ठुमरी, सब कुछ आ जाता है ना, फिर वो हम सिखाते हैं। तो ये बेसिक छोटा मोटा अगर मैं आपको प्रीव्यू अगर कहूं हमारे सिलेबस का है, बाकी आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और फिर देखिए आप कितना अच्छा सीख सकते हैं। बेसिक दो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें तो सब सिखाते हैं, लेकिन फिलॉसफी जो है, फलसफा जो है हमारा, वो उपज की तरफ है, वो क्रिएटिविटी की तरफ है, वो संगीत तो स्वयं भू है उसकी तरफ है, है ना। रटंत में हमारा बिल्कुल भी फिलॉसफी नहीं है कि हम आपको हमारी चीज़ें सिखा दें, जैसा मैं गाता हूं वैसा आपको गवा दें, है ना, या एक परंपरागत आपको हम बता दें, ऐसा कुछ नहीं। हम आपके अंदर से एक यूनिकनेस फुटवाना चाहते हैं कि आप एक अलग दिखें, कि हाँ ये सिंगर है,
हाँ कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो संगीत प्रभाव वर्ल्ड की नज़र आएँ, जैसे कि यार ये लय समझता है, ये स्केल्स को समझता है, ये धाटों को समझता है कि अलग अलग स्केल से धाट और हारमोनियम पे भी इसका उतना ही कमांड है जितना गायकी पर है। तो ये कुछ हमारी फिलोसफीज हैं, मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी की फिलोसफी हैं, तो वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बस देखते रहें ऐसे ही, और कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ सिलेबस से रिलेटेड, कुछ ना कुछ पेरिफेरी जो होती है संगीत की, यानी उसके आसपास के सवाल की आवाज़ कैसी लगनी चाहिए, गाते समय दिखना कैसा चाहिए, या यू नो फलां आपके जो क्वेश्चन होते हैं स्केल कैसा रहना चाहिए, उन सब पर मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। देखते रहें और सीखते रहें संगीत प्रभावल से। शुक्रिया।